राम राम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में दोस्तों, मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फ्लैट बनाए गए हैं, मैं वही दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में, और रास्ते की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। तो इस ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है? सही है दोस्तों, ये नया पुल है और नया पुल से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचेंगे बाकरगंज। सबसे पहले बाकरगंज पहुंचेंगे। मैं कट टू कट वीडियो दोस्तों दिखाऊंगा आपको, ऐसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग तो मैं दिखाऊंगा कम और समझिएगा ज़्यादा, ठीक है? क्या बाकरगंज ऐसे दिखाऊंगा तो चालान हो जाएगा मेरा, कोई बात नहीं, दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये देखिए सामने आप, ये बाकरगंज चौराहा बोलते हैं इसे, ठीक है? तो सबसे पहले आप बाकरगंज चौराहे आ जाइए और उसके आगे फिर बढ़िए, आपको किदवई नगर साइड बढ़ना है। ये रास्ता, ये देखिए चार राट के लिए जाता है ये रास्ता सीधा जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट नगर, और ये जाएगा सीधा किदवई नगर। तो आपको किदवई नगर चौराहे पहुंचना है पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूं आगे। दोस्तों ये किदवई नगर चौराहा आ गया है, आप देखिए किदवई नगर चौराहा, ये साइड आप ये सामने देख सकते हैं, ये इधर पिंक चौकी बनी हुई है, और ये सामने जो रास्ता जहाँ केसर लिखा हुआ है ना, तो ये जाएगा दोस्तों यशोदा नगर बाईपास, ठीक है? किदवई नगर से यशोदा नगर बाईपास आपको जाना है, समझते जाइए, और रास्तों की जानकारी देने का क्या मतलब बनता है। किदवई नगर चौराहे आइए, उसके बाद यशोदा नगर बाईपास जाना है। अब इसके आगे का वीडियो मैं दिखाता हूँ फिर से। दोस्तों हम आ पहुँचे हैं यशोदा नगर बाईपास, अब आप सामने देख सकते हैं, रोड क्रॉस करके हमें जाना है आगे उस पार, देखिए उस पार, ठीक है? उस पार जाना है, ना इधर ना लेफ्ट ना राइट, सीधा पुल देख लीजिए। अब रोड क्रॉस करना है हमें और सैनिक चौराहे के लिए निकलना होगा अब यहाँ से, बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। याद रखिए आपको सैनिक चौराहा यशोदा नगर बाईपास से सैनिक चौराहा निकलना है, या अगर आप ऑटो या रिक्शा से जा रहे हैं तो फिर उनको बोलिएगा सैनिक चौराहा। अपनी बाइक बाइक से जाएंगे या कार से जाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए, लेकिन अगर आपके पास कार या बाइक नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप ओला या ऑटो रिक्शा या रिक्शा से भी जा सकते हैं। क्रॉस करके हम इधर आ गए हैं, सैनिक चौराहे के लिए चल रहे हैं हम, देख सकते हैं आप आगे सैनिक चौराहा। हम लोग आ गए हैं श्री राम चौक, आप देखिए ये धनुष बना हुआ है ना, श्री राम चौक। तो इधर से हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं, श्री राम चौक से लेफ्ट ले लिया है, सामने उपासना गेस्ट हाउस है आप देखिए, ठीक है? तो आप इधर से निकल सकते हैं और सीधे भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने इस रूट को चूज़ किया। आप इधर मर्जी उधर से आप पहुँचे हैं, लेकिन सैनिक चौराहा पहुँचना है आपको, फिर आगे का रास्ता देखते हैं। आगे का रास्ते की जानकारी जो है थोड़ी सी कम है मुझे, फिर भी मैं पूछते हुए पहुँचूँगा और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फ्लैट है उनके दर्शन कराऊँगा। तो देखिए आप लोग, जिन लोगों को कॉलोनियाँ मिल गई हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, जिन लोगों को नहीं मिली है वो एक बार और ट्राई कर सकते हैं, कॉलोनियाँ मिलेंगी, बहुत कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं, आप टेंशन ना लें, दोबारा ट्राई करते रहें, कभी ना कभी चांस तो लगेगा ही, बने रहिए इस वीडियो। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं सैनिक चौराहा, आप देख सकते हैं वो देखिए सामने सैनिक बना हुआ है, मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये सैनिक बना हुआ है, तो ये है सैनिक चौराहा। और एक इस तरफ रास्ता जाता है, ये देख लीजिए आप, मैं किदवई नगर से आ रहा हूँ, तो
लेफ्ट राइट नहीं जाना है आपको, ये सैनिक चौराहा सामने बना हुआ है, आपको दिखा दिया है मैंने, और ये सीधा रास्ता जो जा रहा है ये सीधा, देखिए सीधा इधर जाना है आपको। अब इसके आगे जो चौराहे हैं या जगह है मुझे उनके नाम नहीं पता, बहरहाल मैं आपको लेके चलता हूँ। देखते रहिए और सैनिक चौराहा आ जाएगा, सैनिक चौराहा सॉरी निकल गया है पीछे, सैनिक चौराहे से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। और मौसम बड़ा अच्छा है, पेड़ पौधे देख लीजिए आप, बड़ा ही सुहाना मौसम है आज का, बारिश वारिश हो रही होगी कहीं पर, थोड़ा सा कैमरा वैमरा हिल रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हिलते हुए कैमरे भी देखते रहना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते रहिए, साहू जी की बाइक रिपेयरिंग सेंटर है, थोड़ा सा लोकेशन आसपास का दिखा देता हूँ मैं ताकि आप भटकना नहीं भैया, बाद में बोलना नहीं कि भटक गए। ठीक है इधर उधर नहीं, मिश्रा दूर डेयरी देख लीजिए आगे, इस रास्ते में सैनिक चौराहे के बाद इस तरफ सकरापुर सॉरी भागीरथ पैलेस, भागीरथी जाह्नवी ठीक है वो है, ऐसे आगे बढ़ते रहिए देख लीजिए। ऐसे मुड़ना है आपको, फिर आ जाएगा आपका शारदा जर्दा स्टोर, ये श्रीराम वेंकट हाल है, देखिए श्रीराम वेंकट हाल है, ये भी पूछ सकते हैं आप। आगे चलते रहिए बढ़ते रहिए, आगे मैं दिखाता हूँ फिर आपको। रास्ता देखिएगा इधर उधर मत देखिएगा, ठीक है चलते रहिए। देखते रहिए इधर उधर ध्यान मत ले जाओ भाई, सामने देखते रहो। तो एक मिनट होल्ड करिए मैं पूछ लूँ यहाँ पर। सैनिक चौराहे के बाद हम लोग आ गए हैं, ये तिराहा देखिए आप, ठीक है एक तो मैं जिधर से आया हूँ वो, और दूसरा ये रंग क्या बताया भाई, रंग फैक्ट्री तिराहा है ये, ठीक है कलर फैक्ट्री बोल सकते हैं अंग्रेजी में, कलर फैक्ट्री अगर रंग ना समझ में आ रहा हो तो। ये तिराहे से आपको लेफ्ट जाना है इस तरफ, ठीक है गोकुलधाम लॉन सीधे है, गोकुलधाम धाम सीधे है ना, हाँ तो लेफ्ट आपको मुड़ना है। अब इसके आगे का रास्ता दिखाते हैं, ये हम मुड़ चुके हैं रंग फैक्ट्री तिराहे से आगे बढ़ चुके हैं, चलते रहिए देखते रहिए मस्त रहिए। ये बड़ी सी बिल्डिंग, ये देखो घास चरता बैल, सुपर हॉस्पिटल, पुलिस चौकी आजाद नगर, थाना बिदनू, थाना बिदनू लग गया भाई इधर, रंग फैक्ट्री से आपको एकदम सीधे चलना है, रंग फैक्ट्री तराहे से हम आ गए हैं, मतलब जानकारी मैंने दे दी थी आपको, आगे सीधे चलते रहना है, तो मैं पहुंचा नहीं हूँ, पहुंचता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी के दर्शन सॉरी प्रधानमंत्री जी के दर्शन नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के दर्शन कराता हूँ आपको, उधर बंदा है जा
गति जानवी जो योजना है उधर पहुंचेंगे। सकरापुर है, और भी सारी योजनाएं हैं, है सारी प्रधानमंत्री वाली। उन्हें रो भैया, ये थोड़ा लंबा हो रहा है, क्या करें, रास्ते की जानकारी चाहिए तो वीडियो लंबा होगा, लोग कह रहे थे। मैंने एक पीछे भी वीडियो बनाया था तो लोग ये पूछ रहे थे, भाई किधर से जाएं, क्या करें, कैसे करें। मैंने कहा इस बार ये पूरे रास्ते के साथ बना के दिखाता हूँ मैं वीडियो। तो रास्ता थोड़ा ख़राब है, रास्ता पहचानते रहिए, और आगे चल के हो सकते हैं रास्ते चेंज होते जाएं, पर ये रुद्र ट्रेडिंग कंपनी है, कि ये भी हो सकता हो आगे चल के चेंज हो जाए, कोई पता नहीं होता, पर कुछ ऐसा दिखे तो मैं आपको बताऊं भी। ऐसे देखिए आगे चले आए हम, चलते रहिए, थोड़ा सा ख़राब सा रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, जिससे आप पहचान कर सकें। फिलहाल आप जब रंग फैक्ट्री आ जाएंगे तो फिर समझ लीजिए आप पहुंच ही गए। ये बीएल पहले से शायद, हाँ बीएल पहले से देखिए, पीली पीली पीला पीला सा मकान है, क्या है समझ नहीं आ रहा, पहले सिखाओ। तो देखिए रास्ता है, जरा आप इधर मुड़ सकते हैं। चाचा ये कॉलोनी किधर बनी है, किधर मुड़ना है? तो आप देख सकते हैं लगभग लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के आसपास पहुंच चुके हैं, उसी देर में आपको फ्लैट की तरफ हो जाएंगे। भैया तो बने रहिए, ये कॉलोनियाँ किस तरफ बनी है? तो भैया फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के दर्शन। देखो सामने सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, जो वाइट वाइट सी, यही है कॉलोनी, यही है फ्लैट्स प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए गए हैं। ये देखो लाइन्स है, ये सामने वेदर मस्त है, मस्त देख रहे हैं आप, जब बन जाएगा ना बड़ा मज़ा आएगा। आप इधर आओ, सामने आप देखो कानपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगा हुआ है। ओए ओए, देखो कार्य का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भागीरथी एवं जानवी। तो भैया ये है भागीरथी जानवी, ठीक है, सकरापुर वाली इधर नहीं है। देखो और ये है बाहर से देख लो कॉलोनियाँ भाई, ठीक है, अभी तो गिर जाता है यार। अब इसके अंदर से चल के दिखाते हैं कैसी बनी हुई है, ठीक है। फाइनली हम पहुंच गए हैं भाई, थैंक यू तो बोल दो। दोस्तों फाइनली मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट के पास ले आया हूं, और आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए चार मंजिला ये फ्लैट्स बने हुए हैं। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूं कैसा बना हुआ है। अरे इतनी दूर लेके आया हूं यार, थैंक यू तो बोल दो, हंसते रहा करो यार, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, जिंदगी में क्या लेके जाओगे, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। मैं काफ़ी टाइम पहले आया था, इधर इतना नहीं बना हुआ था, धीरे धीरे काफ़ी अच्छा बन गया है। तो अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, अंदर इंटर करता हूँ। तो भैया यहाँ से अंदर आते हैं हम लोग, देखिए ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड की हालत तो अच्छी नहीं है फिलहाल, कॉलोनियाँ काफ़ी अच्छी बनाई गई हैं भाई साहब, ठीक है, जिनको मिल गई हैं धन्यवाद करो।
जिनको नहीं मिली हैं आगे मिलने की उम्मीद करो। लगे हुए ये खुला हुआ है। तो भैया हम लोग आ गए हैं, ये देखो टाइल्स वाइल्स लगे हुए हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये आपका पहला रूम हो गया, ठीक है। ये आपका बाथरूम है, टॉयलेट आपका, छोटी सी बालकनी, छोटी सी जैसे झांका झुकी कर सकते, छोटी सी बालकनी। ये आपका किचन है, देखिए मॉडलर फर्स्ट क्लास। स्विच विच सब लगे मिलेंगे आपको कंप्लीट, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। आओ चार्जर घुसेड़ो, चार्ज करो मोबाइल अपना बन। ये खटका विटका सब यहाँ लगाओ आराम से अपना, अरे इसको क्या बोलते हैं यार, माइक्रोवेव वगैरह लगाइए फर्स्ट क्लास। पिज्ज़ा बर्गर बनाइए, खाइए मस्त होकर, इधर आइए। ये आपका दूसरा रूम, सेकेंड रूम, ये देखो ठीक है, गंदगी हो रही है अभी तो बन रहा है। ओए ओए ये देखो हटो जरा, वही ना, ये देखिए आप स्लाइडर वाली विंडोज लगी हुई है, खिड़कियाँ स्लाइड कर रही है, बटन दबाएंगे आप और इधर स्लाइड कर देंगे आप, ये जबरदस्त मज़ेदार स्लाइडर वाली। देखिए सामने पेंटिंग पेंटिंग शुरू है भैया, पेंट हो रहा है बढ़िया इंद्रकाश, पैसा वसूल है भाई साहब 2 लाख रुपया, जय हो भैया प्रधानमंत्री जी की। ये लॉक हो गया मस्त एकदम। ये आपका कान बना हुआ मचान आराम से, ये देखिए आप विंडोज में बड़ी मजा आ गई भाई साहब। ये देखिए ये लॉक कर दिया, चारों तरफ जिधर विंडो लगी है बड़ी मस्त लगी है। ये देखिए आप बढ़िया फर्स्ट क्लास। सबसे बड़ी चीज़ ये देख रहे हैं, और रहो घंटी बजाओ कोई दिक्कत नहीं है, एमसीजी सब कंप्लीट मिलेगी आपको, 1 रुपया लगाना नहीं है। उसके बाद भी आपको खर्चा करना भैया तो खर्चा अपने हिसाब से, दुनिया लाखों रुपए लगाते हैं। बेल वेल सब मिलेगी आपको घर के बाहर, देखो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगा आपको। ये गैलरी देखो, ये हमारे मजदूर भाई सब थक गए हैं और सो रहे हैं, इन्हीं की मेहनत है भाई। सभी मजदूरों को हमारा धन्यवाद, हमारे सभी कर्मचारियों को धन्यवाद भाई साहब, सभी मजदूर भाइयों को उनसे धन्यवाद। आप चलते हैं, हम लोग सेकंड फ्लोर पे ऊपर छत के, छत पे भी चलते हैं ऊपर, ये यहाँ से यहाँ का नज़ारा एकदम खुला आसमान, जय भोलेनाथ। भाई मज़ा आ जाएगा रहने में तो यहाँ, देखो ब्लॉक नंबर 18। अरे हाँ कंप्लीट हो रहा है, अरे अंदर ही घूम रहे हैं। अरे ओ बेटा जी, ये थर्ड फ्लोर आ गए हम लोग। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी,
किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम नरम नरम। टन 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 टन। अब हम लोग आ गए हैं एकदम भैया टॉप फ्लोर छत पे आ गए इसकी। भाई साहब मज़ेदार है, दिल खुश कर दिया भाई साहब। प्रधानमंत्री जी देखो, इसमें काफ़ी मजबूती नहीं दिख रही लेकिन ठीक है यार, 2 लाख में क्या बच्चे हम लोग हैं। अब छत पर से मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, अब देखो भाई ठीक है बढ़िया है, ये बन जाएगा ना भाई स्वर्ग से कम नहीं लगेगा, मज़ेदार है। ये सब मेरा भाई देखो पेंट पुताई कर रहा है यहाँ पे। और मेरा भाई क्या हाल है? बढ़िया मस्त वहीं कॉलोनी, सब आप लोग की मेहनत है भाई, आप लोगों को भी थैंक यू दिल से धन्यवाद सभी मज़दूर भाइयों को जिन्होंने अपना कीमती वक्त, पैसा तो दुनिया कमाती है दोस्त, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर किसी के लिए आसियाना बनाया उसको तो धन्यवाद करना ही चाहिए। धन्यवाद करते रहिए दिल से, मौज लेते रहिए, खाते रहिए पीते रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। इसी बड़ा करवाते हैं हम लोग भाई साहब, वीडियो की गंदी आदत यही तो है साला, समझ में नहीं आता, बोलते रहो चपड़ 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 चपड़। खुले आसमान में आपको एक तो पक्षी तो दिखाई दे ही जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो मेरा व्लॉग था आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो दबा के शेयर करना, कोई कंजूसी नहीं चलेगी ठीक है, तुमको तुम्हारे फूफा जी कसम है, दबा के शेयर करो दबा के ठीक है, और लोगों तक पहुंचाओ। कानपुर में हैं मुस्कुराते रहिए ठीक है, कानपुर में हैं मुस्कुराते रहो। तो भागीरथ सकरापुर सॉरी भागीरथी जाह्नवी, ये थी भागीरथी जाह्नवी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फ्लैट बने हैं वो मैंने आपको आज दिखा दिया इस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और दम लगा के शेयर करिए। जय हिंद वंदे मातरम।